हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्रोशिया की कुछ ओपनिंग्स के बारे में। देखिए, टोटल 3 प्रोफाइल्स हैं, 3 डेजिग्नेशन हैं फ्रेंड्स जिनके लिए ओपनिंग्स हैं। इनमें से 2 जो हैं वो तो टेक्निकल प्रोफाइल्स हैं, और जो 3rd प्रोफाइल है जिसको हमने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है एज अ असिस्टेंट वर्कर, ये बेसिकली हेल्पर्स हैं और इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। मीन्स इसके लिए कोई पास्ट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, क्रोशिया आपको पता ही है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, एक काफ़ी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है काम करने के लिए, यूरोप के अंदर ये आता है। और फिलहाल जो सैलरीज हमने मेंशन की हैं वो क्रोशियन कूना में ही मेंशन करी हैं। एक क्रोशियन कूना लगभग 10 से 11 रुपए के बराबर होता है। अगर आज का मैं रेट बताऊँ आपको तो 10 रुपये 70 पैसे का है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह यहाँ पर भी आपको क्रोशिया का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग डेजिग्नेशंस को समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला जो डेजिग्नेशन है वो है CNC ऑपरेटर्स का, दूसरा डेजिग्नेशन है CNC प्रोग्रामर का, और तीसरा डेजिग्नेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, असिस्टेंट वर्कर्स या असिस्टेंट हेल्पर्स का, जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरीज यहाँ पर जो हैं वो ऑलमोस्ट 5000 कूना से लेकर 6000 कूना तक हैं, और इंडियन करेंसी में हमने आपके लिए इसको कन्वर्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, इंडियन करेंसी में जो ये सैलरी बनती है अप्रॉक्स ये बनती है 53,000 इंडियन रुपी टू 65,000। ध्यान रहे, ये बेसिक पे है, ओवर टाइम आपको अलग से दिया जाता है। फ्रेंड्स, अकोमोडेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट आपको मिलेगा, और ड्यूटी मील्स भी दी जा रही हैं। बाकी की सभी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लें। वर्किंग आवर्स में ही हमारी टीम को कॉल करें, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कई महीनों से हम लोग रेगुलरली आपके साथ यूरोप की, कैनेडा की और गल्फ़ की बहुत सारी ओपनिंग शेयर कर रहे हैं। लकीली अभी हमारे को रोमानिया के वीज़ाज भी मिलना शुरू हो गए हैं। मतलब देखिए, वर्क परमिट्स तो हमने पहले भी आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन बीच में हमारे को दिक्कत हो रहा था स्टैंपिंग के डेट के लिए, लेकिन लकीली अभी वीज़ा स्टैंप होने लग गए हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर कुछ रिसेंटली जो हमारे वीज़ा स्टैंप हुए उनको शेयर करूँगा। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि उन कैंडिडेट्स को ऑफिस में बुलाकर इंटरव्यूज़ लिए जाएँ, आपको बताया जाए। देखिए, यूरोप का जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा लंबा होता है। अगर आपने यूरोप के लिए अप्लाई करना है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, आपको धैर्य चाहिए, नेचुरली थोड़ा पैसा भी एक्स्ट्रा चाहिए, और आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, चाहे वो शेंगेन कंट्रीज़ हो, नॉन शेंगेन कंट्रीज़ हो, ये चीज़ आपको समझना ही होगा कि यूरोप का प्रोसेस गल्फ़ के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये चीज़ आपको समझ के रखना है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अभी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी कंपनी कॉन्ट्रामेंटर्स अवेलेबल है। आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन सभी ऐप्स को इंस्टॉल कर लें अगर अभी आपने नहीं किया है तो, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अच्छी ओपनिंग आपसे मिस ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार होता क्या है कि जो ओपनिंग्स होती हैं बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में होती हैं, कई बार सिर्फ 5 कैंडिडेट चाहिए, 7 कैंडिडेट चाहिए, तो हम लोग फिर एक्स्ट्रा कैंडिडेट को क्यों अश्योरेंस देंगे? तो आपको ये समझना है, और नेचुरली जिसने पहले डॉक्यूमेंट्स भेजा, जिसने पहले बात कर लिया, उसी को हम प्रायोरिटी देंगे। तो इसी तरीके से आप साथ बने रहें, इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।